करंट के बारे में रिसर्च किया, उसके मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा, फिर ओम्स लॉ के बारे में रिसर्च किया। ओम्स लॉ को हमने तीन तरीके से देखा, एक तो बेसिक उसका डेफिनेशन और स्टेटमेंट था, फिर हमने ओम्स लॉ को देखा इन टर्म्स ऑफ जे एंड ई, और फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने स्टडी करा ओम्स लॉ के बारे में। तो जब हम ओम्स लॉ पढ़े थे तो वहाँ से हमने एक टर्म लिया था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस कभी आपको दे दिया जाए हाथ में और आपसे उसमें जाके एक स्ट्रिप होती है कलर कोडिंग की, ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस में जो होता है कोडिंग बता रहा हूँ आपको, देखिए टॉपिक होगा हमारा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो उसमें आपसे देकर एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें बताइए कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप एक रेजिस्टेंस को अपने हाथ में लेकर के, उसके लिए होता है कलर कोडिंग, ठीक है। तो उसको देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक, कलर कोडिंग के लिए देखिए सबसे पहले चीज की क्या क्या कलर होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए रेजिस्टेंस को आप कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आपका देखा सिलेंडर टाइप का होता है, दूसरा से पी निकला होता है। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रिप्स बनी होती है, कलर स्ट्रिप्स, ये एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, चार स्ट्रिप। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में चार स्ट्रिप होता है, किसी किसी में पांच भी देखने को मिलता है, किसी किसी में तीन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहला जो कलर होता है इसको कहते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कहते हैं सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कहते हैं पावर ऑफ टेन, ठीक, और जो फोर्थ वाला होता है इसको कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है, ये होता है टॉलरेंस स्ट्रिप। और यहां देखिए यही होता है एंड पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ रेजिस्टर पर। एक रेजिस्टर आपको दिया गया, इस रेजिस्टर के आखिरी वाला स्ट्रिप कौन सा होगा, ये टॉलरेंस स्ट्रिप, और ये टॉलरेंस स्ट्रिप में कलर्स क्या क्या होते हैं, ये होता है गोल्ड, सिल्वर और होता है प्लेटिनम, कभी कभी इसमें कोई भी कलर नहीं होता, ठीक। अब इसमें गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो होता है प्लस माइनस 5%, ये होता है प्लस माइनस 10%, और ये होता है प्लस माइनस 20%, ठीक है। ये टॉलरेंस आप वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे, टॉलरेंस इनटॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब कि थर्मल रेजिस्टिविटी कितनी है, इसकी थर्मल यानी टेम्परेचर वेरिएशन अगर होता है तो इसका रेजिस्टेंस कितना ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए 100 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिया गया है तो किसी थोड़ा सा क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हो सकता है कि वो 95 ओम या 105 ओम तक वो शो कर सकता है वैल्यू, ठीक है। अगर गोल्ड जिसमें एक ऐसा रजिस्टर आपको दिया गया इसका लास्ट स्टेप का गोल्ड हो और 100 ओम का अगर वो है तो उसका टॉलरेंस ही बताता है कि वो रेजिस्टेंस 95 से 105 तक वेरी कर सकता है, उसके बीच में रह सकता है कहीं, ठीक है। अब ये चीज हम क्या करते हैं, अगर आपको रजिस्टर मिलता है तो ऐसे लेकर के हम वो वाला स्ट्रिप ढूंढते हैं जिसमें ये तीन कलर दिए हो, ठीक है, वो हमारा आखिरी हो गया और स्टार्टिंग में इधर से करना शुरू हो, उसके दूसरे एंड से स्टार्ट करते हैं, पहला स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रिप का कोई भी कलर हो सकता है, वो जो कलर है वो 10 कलर होते हैं, उसमें मैं लिखे तो आपको याद रखने का तरीका कौन कौन सा कलर होता है, लेकिन याद रखिएगा बी बी रॉय, क्या कह रहे हैं कि बी बी रॉय याद करने का तरीका, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी
वाइफ, ठीक। ये याद करने का तरीका, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक। अब बीबी रॉय, अब देखिए किसके लिए कोडिंग हम दे रहे हैं, ये हो गया आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और ये हो गया आपका ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से यहां ग्रे हो गया, और डब्ल्यू से यहां क्या हो गया व्हाइट, ठीक। कोडिंग देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। ये जो तीन स्ट्रिप है इसमें यही 10 कलर पॉसिबल है, यही 10 कलर को ये कहता है, ठीक है। तो याद रखिए कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ के लिए पहले अब तीन बार बी आ जा रहा है, तो इसलिए इसका सीक्वेंस आपको थोड़ा अलग से याद रखना पड़ेगा, तो ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, ठीक है। और फिर दो बार आपका आ जाएगा जी, तो पहले जी से ग्रीन, दूसरे से ग्रीन, ठीक है, इतना याद करिए। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो थ्योरी था, प्रैक्टिकली अगर आपको मिला तो एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आपको एक समझा रहे हैं कि हमने क्या किया, आपको रजिस्टर दे दिया, ठीक, और जो मैंने आपको कलर्स दिए वो आपको मैं बता रहा हूं। इधर हमने कह दिया सिल्वर, इधर हमने कह दिया ग्रीन, और ये हो गया आपका रेड, और ये हो गया आपका ब्लू, ठीक है, ब्लू रेड ग्रीन सिल्वर, ये एक रजिस्टर आपको मिला। आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से, ये पहला होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये टॉलरेंस वाला जो स्ट्रिप होता है वो सबसे आखिरी का स्ट्रिप होता है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, आपको कोड लिखना है ब्लू के लिए, तो पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट उसको एडिटिंग लिखना है, कैसे लिखा है आर इक्वल्स टू, ठीक है। ब्लू के लिए कोड देखिए कितना है, 6 है, हम लिख दिए 6, ठीक है। रेड के लिए कितना है, 2 लिख दिए, ये 6 और 2 ऐसे लिखे, फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे लिख लेते हैं। तीसरा क्या है, पावर ऑफ 10, तो इनटू 10, आपकी 10 की पावर क्या रखना है, ग्रीन, ग्रीन का कोड कितना है भाई, देखिए 5 है, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 5, ठीक, 62 इंटू 10 की पावर 5। और सिल्वर कितना है, टॉलरेंस लेवल प्लस माइनस 10%, तो यहां कर दिया प्लस माइनस 10%, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस, 62 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 10%, ये कलर कोडिंग पहचानने का तरीका है। और देखिए क्या कर रहे हैं, जो टॉलरेंस स्ट्रिप है हमारा सबसे आखिरी वाला स्ट्रिप होगा, उसके अपोजिट एंड से हम काउंट करना शुरू करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले दोनों नंबर्स को एडिटिंग रख देंगे जो कोड है कलर्स का, तीसरे का जो कलर कोड होगा उसको 10 की पावर में रख दिए, 10 की पावर 5 में, और बाकी प्लस माइनस करके हमने लिख दिया। तो ये होता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये इसकी आप दो चार खुद से रेजिस्टेंस लेकर के प्रैक्टिस करेंगे और निकालेंगे यहाँ तक के लिए, चलिए ठीक है। चलिए देखिए अभी तक हमने कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा, अब आप देखते हैं जैसे घरों में वायरिंग वगैरह होता है, तो जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो अक्सर कहता है कि वायरिंग करना, मतलब उससे कहते हैं वायरिंग करने के लिए, क्या कहता है कि हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं सबका, तो इस तरीके से आपको कहता है कि पैरेलल नाम का भी कोई कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस को जोड़ने का, और एक होता है सीरीज का। टेंथ में भी आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, बस तरीका सीखिए कैसे करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखिए, ठीक। यानी हमारे यहाँ टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज में देखिए कैसे होता है, सीरीज में
जैसे एक रेसिडेंस हमने लिया, ठीक, ये रेसिडेंस का सिंबल है, एक रेसिडेंस मान लिया आपने R1 लिया और A और B के बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब मान लीजिए इस रेसिडेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, A, ठीक, A से B एड्स का एंड पॉइंट हो गया। जहां पहला रेसिडेंस खत्म होता है वही दूसरा रेसिडेंस आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, दूसरा वहीं से स्टार्ट कर दिए, ये और रेसिडेंस आप लगा दिए बी सी के बीच में R2, ठीक। अब जहां दूसरा खत्म वहीं से तीसरा स्टार्ट, तो जब इस तरीके से कोई रेसिडेंस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सीरीज में यानी एंड टू एंड कनेक्शन। पैरेलल में यही चीज क्या होता है, जैसे दो पॉइंट आपने चूज करा ए और बी और इनके बीच में आपने क्या किया, बहुत ढेर सारा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। देखिए ऐसे ही आप रेजिस्टेंस जोड़ते जा रहे हैं, जितना मन करना R1, R2, R3 ये आपने जोड़ दिया, ठीक। जब दो पॉइंट्स होते हैं कि सभी रेजिस्टेंसेस का इनिशियल पॉइंट सेम और उसका एंड पॉइंट भी सेम है तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको पहचानने का तो एक तरीका ही बेसिक होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे ये आपके पास कॉम्बिनेशन है, कैसे पहचानेंगे, हर बार इस तरीके से पहचानने में दिक्कत होती है कि भाई सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन है, पैरेलल में दो पॉइंट्स के बीच में है, तो इस तरीके से जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो वहां पता नहीं चल पाता है, तो क्या करते हैं, करेंट दौड़ा देते हैं, करेंट को दौड़ाइए सर्किट में और पता कीजिए, ठीक। तो तरीका आप समझेंगे, पहले यहां पे लिखा कि इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब एक यहां पे खत्म दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा है भाई, कनेक्टेड बिटवीन, जितने भी रेसिडेंस हो कहां कनेक्टेड होंगे, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, दो कॉमन पॉइंट्स में से बहुत सारे रेसिडेंस क्या कनेक्टेड है, पैरेलल हो जाते हैं वो। इधर सीरीज में अगर आए दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमने कहा कि हर एक करंट भी है, करंट दौड़ा दिया। अब करंट को इस स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक जाने में, सर्किट के आखिरी पॉइंट तक जाने में कितने रास्ते मिलेंगे, एक सीधा रास्ता मिलेगा। जब करंट को एक ही रास्ता मिले, करंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना पड़ रहा है, तो वैसे सर्किट क्या हो जाते हैं, सीरीज, और सीरीज में करंट एक ही जगह जा रहा है, एक ही रास्ता है, सब पूरा का पूरा एक ही जगह जाएगा, तो करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक, करंट सेम हो जाता है। इस वाले में क्या हो गया कि जब आपने करंट भेजा आई, मान लिया आपने आई भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इस टर्मिनल पे पहुंचा पॉइंट पे, कितने रास्ते हो जाएंगे, तीन रास्ते इसको दिखाई दे रहे हैं। अब करंट का नेचर होता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों में थोड़ा थोड़ा, अब उसके लिए लॉ है क्या, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो करंट भेज देता है तीनों रेजिडेंस में, जैसे जिसकी जैसी कैपेबिलिटी, तो इन तीनों रास्तों पे करंट क्या हो गया, टूट जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर आकर के मिलेगा फाइनल पॉइंट पे, ऐसे निकल जाएगा वो, ठीक। तो जब करंट टूट रहा है, ध्यान दीजिए उसके को, मतलब जिस सर्किट में करंट टूटने लगे, डिवाइड होने लगे, वो सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट होता है। तो यानी कि करंट अब तीनों में अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग, यानी करंट इसमें क्या हो गया, डिफरेंट हो जाता है, ठीक। अच्छा फिर अगर आ जाए यहां पे तो वोल्टेज की बात कर लेते हैं, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक। देखिए वोल्टेज आप कैसे, सॉरी पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, अब इसमें वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि देखिए करंट तो सेम है तीनों में, लेकिन यहां जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, आई इंटू आर, यहाँ आई इंटू आर टू है, यहाँ आई इंटू आर थ्री, यानी कि तीन जगह वोल्टेज अलग अलग, तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और यहां वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का टर्मिनल सेम है, यहां इनिशियल सबका सेम, फाइनल सबका सेम, यानी कि इस वाले पॉइंट में का पोटेंशियल होगा इन तीनों के लिए सेम हो गया, और यहां इन तीनों के लिए सेम पॉइंट हो गया, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा,
इसलिए हम कहते हैं कि पैरेलल में जितने रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं सबके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, आर इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में कितना होता है सबको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। हालांकि इसका प्रूफ है, अभी मैं इसका प्रूफ कराऊंगा आपको, इसको हम ऐसे जोड़ते जाते हैं जितना भी क्लियर हो। पैरेलल में ये चीज क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबका रेसिप्रोकल लेकर के जोड़ देते हैं तो रेसिप्रोकल में ही इक्विवेलेंट मिलता है, फिर उसका रेसिप्रोकल लेकर एक्चुअल मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था कि एंड टू एंड कनेक्शन होगा, सीरीज में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, जस्ट उसका वोल्टेज करंट सेम डिफरेंट हो जाता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम हो जाता है। ठीक है, और ये आपका आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। अब ये दोनों फॉर्मूले कैसे आए हैं इनका हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, तुरंत फटाफट प्रूफ देख रहे हैं कैसे हो जाएगा इसका प्रूफ, यही तुरंत कर देते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए हमने क्या करा, इसको एक सोर्स लगा दिया इसमें, इस सर्किट में। ठीक है, वी वोल्ट का तो करंट चला गया इसमें, इसको भी हमने क्या करा एक सोर्स लगा दिया तो इसमें करंट चला गया। ठीक, अब करना क्या है, यहां ध्यान दीजिए कि करंट तो सेम है, इतना गया उतना है, यहां से आई निकला और आई पहुंच गया। ठीक, लेकिन वोल्टेज तीनों में क्या है अलग अलग है, यहां पर वोल्टेज क्या हो रहा है V1, V2, V3 अलग अलग हमने मान के लिया, I1 R1 है, I2 R2, I R2 है, I R3 हो गया। कहने का मतलब ये कि जितना हम सोर्स दे रहे हैं उतना ही तो हमें आउटपुट पर मिलेगा, जितना खाएंगे उतना ही करेंगे। ठीक, एनर्जी जितनी आपके पास मिलेगी उतना ही वर्क आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां अगर आपने वोल्टेज V दिया है तो तीनों का क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 तीनों का सम कितने के बराबर होगा, V के बराबर। तो यहां V will be equals to V1 plus V2 plus V3, पूरे सर्किट का वोल्टेज V है, R रेस ये अलग अलग वोल्टेज है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V equals to क्या होता है IR। अब ये R क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। ठीक है, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज V है, equals to यहां क्या हो जाएगा V1 कितना होगा I into R1 प्लस, यहाँ R2 है तो I into R2, और यहाँ कितना है I into R3। ठीक, समझ में। अब यहाँ पे IR इक्विवेलेंट इक्वल्स, देखिए I कॉमन ले लिए तो क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, आपने I से I कैंसिल किया तो R इक्विवेलेंट सीरीज का जो निकल के आता है क्या होता है, डायरेक्टली रेजिस्टेंसेस को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल के केस में देखिए करंट जब यहां आई जा रहा है तो टूटा किसमें, मान लीजिए I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें I3 गया, तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, तीन पांच मिल रहे हैं, तीनों का कुछ ना कुछ करंट गया। तो ये I टूट रहा है कितने हिस्सों में, I1 I2 I3 के फॉर्म में, यानी जो हमारा I है वो किसका सम है, I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम है। ठीक है, अब यहां पे आई कह रहे हैं अब वोल्टेज तीनों में क्या होगा सेम, देखिए इसका हायर पोटेंशियल है, इसका लोअर पोटेंशियल है और इसके बीच का पोटेंशियल कितना है वी है, तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए हायर लोअर सब सेम है, तो इनके बीच का पोटेंशियल भी क्या होगा वी के बराबर होगा, यानी कि वोल्टेज तीनों में सेम। जब वोल्टेज सेम होगा, ठीक है, यहां वोल्टेज वी, यहां भी वोल्टेज वी और यहां वोल्टेज वी, हर जगह सेम हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां क्या लिखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी अपॉन, अब आर जो होगा पूरे सर्किट का होगा, इसलिए हम क्या कह देंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 की वैल्यू, देखिए I1 निकालना है, R1 पता है वोल्टेज कितना होगा वी, तो वी अपॉन R1, उसी तरीके से वी अपॉन R2 और वी अपॉन R3 किसके लिए I3 के लिए, ऊपर से वी ले लीजिए कॉमन, तो V आपके लिए तो क्या बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
आर थ्री वी से वी को आपने कैंसिल किया तो आपका जो फाइनल लेट बन गया वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। और इस तरीके से आपने क्या करा, सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा सर्किट। तो ये आप कर लेंगे, इसमें कुछ देखिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। दो तरीका है सर्किट को पहचानने का कि कब सीरीज होगा कब पैरेलल होगा। सीरीज को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया क्या करना है भाई, कि जब एंड टू एंड कनेक्शन हो पहला तरीका। अगर ये समझ में ना आए मतलब इसमें कंफ्यूजन होने लगे तो क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से करंट भेज करके लास्ट में बुला लेना है। जब स्टार्टिंग में करंट भेजेंगे करंट को जाने के लिए जिस जिस रेजिस्टेंस में एक ही पाथ मिल रहा है जिधर जिधर वो सब सीरीज में, और जहां करंट टूट जा रहा है जितने हिस्सों में टूटा वो सभी के सभी किस में आ गए पैरेलल में आ गए। तीन हिस्सों में टूटा तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। ये तरीका है पहचानने का, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फिलहाल। जब हमने सीरीज और पैरेलल बना तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं उस तरीके की समान सिर्फ दो रेजिस्टेंस पैरेलल दिया हो। क्या पहला पॉइंट है कि जब दो अलग अलग रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए कि आर वन आर टू दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ध्यान देखिए हमने दो रेजिस्टेंस दिया आर वन आर टू अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो एक तो बेसिक तरीका है कि वन अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू करके आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा डायरेक्टली याद रखिए, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा के दोनों के सम से, ठीक है, तो आपका आर इक्विवेलेंट निकल करके आ जाता है, क्लियर। अब अगर बहुत ढेर सारे रेजिस्टेंसेस 10-20 हजार एक ही वैल्यू के हो, देखिए सबकी वैल्यू आ गया सेम है इसमें कनेक्टेड है पैरेलल एंड टाइम से, तो जितनी बार है जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है उससे डिवाइड कराना है एक वैल्यू में, रेजिस्टेंस के उस वैल्यू में जितनी बार हुआ होगा उससे क्या कर दिए डिवाइड करा दीजिए तो क्या होगा निकल कर क्या क्या। अच्छा अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वहां पे। यहाँ देखिए अगर आप यहां से स्टडी करेंगे आपसे कहा जाएगा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक। अब इससे आप सीख लीजिए कैसे सीरीज और पैरेलल पहचानेंगे। आपने क्या किया एक विधि बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आप पहचान लेंगे कि ये तीनों पैरेलल हैं फिर जो रिजल्ट आ रहे हैं दोनों फिर सीरीज में हो जाएगा, ठीक। एक और तरीका जो आपको बता रहा हूं कि हर बार करंट को दौड़ा दो सर्किट में, आई भेज रहे हैं इस वाले पॉइंट पे आने के बाद करंट कितने हिस्सों में टूटा तीन हिस्सों में, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए पैरेलल हो गए। अब फिर ये तीनों आकर के यहां पे क्या हो गए मिल गए और फिर एक हिस्से में चले। तो सबसे पहले क्या करना होता है सर्किट में ब्रांचेस को सॉल्व कीजिए, क्या करिए ब्रांचेस को सॉल्व कीजिए। तो ब्रांचेस आपके ये हैं इनको आपने सॉल्व किया। अच्छा देखिए तीन रेजिस्टेंस तीनों कितने होंगे तीन तीनों होंगे, ठीक है। अब यहाँ एंड आपको तरीका बताया था कि किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भाई कितनी बार जुड़ा उससे डिवाइड करा दीजिए। तो जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा थ्री ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई थ्री कितना आ गया वन ओम। अच्छा अगर मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन हो तो हम अगर कह दें कि सभी छह छह होंगे सिक्स ओम और सिक्स ओम बना दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा सिक्स बाई थ्री तो कितना हो गया टू ओम आ गया। अब ये दो ओम अब इसका रिजल्ट देखें तो मान लीजिए तो एक था एक वन ओम का, अब इसकी जगह पे क्या हो गया टू ओम का और एक वन ओम का था। अब ये किसमें आ गया सीरीज में तीनों को जोड़िए वन और टू थ्री और वन फोर का आर इक्विवेलेंट कितना हो गया फोर ओम आपका आ गया आंसर, ठीक। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए कि थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेट किया गया कॉम्प्लिकेटेड हुआ बहुत थोड़ा सा। अब इसमें आप क्या करेंगे नहीं समझ आएगा तो वही तरीका है ए से करंट भेज दीजिए आगे, ठीक। जब करंट भेजेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है दोनों पॉइंट क्या है एक ही है तो तीन हिस्सों में करंट टूट रहा है, ठीक। जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस एक भी नहीं होता है वो दोनों पॉइंट शॉर्ट होते हैं जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट एक ही है और करंट एक जगह से कितनी बदलेगा टूट रहा है तीन हिस्सों में। अब यहां मान लीजिए जो करंट जा रहा है आई वन ये घूमते घूमते यहां तक आ रहा है आई वन, ठीक। आई वन इन दोनों में गया तो ये दोनों क्या हो गए आपके सीरीज में, ठीक। ये दोनों क्या हो गए टू और टू ये दोनों किसमें आ गए भाई बताइए सीरीज में आ गए तो ये कितना हो गया टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर ओम।
अब इसको अगर आप सर्किट बनाएंगे तो एक तो 4 ओम का था ही, नीचे एक और 4 ओम का था, 4 4, और इसके लिए एक और 4 ओम का आ गया ना, ठीक है, ए और बी। अब तो सॉल्व कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 ओम, 4 4 3 कनेक्टेड है तो 4/3 ओम आ गया आपका आंसर। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। अब सुनिए, एक मिनट इसमें सुन लीजिए कि कितने टाइप के रेजिस्टेंस आपको डिस्कस करने हैं। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, एक तो होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जब भी हम पढ़ रहे हैं ये सब सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप का। दूसरा होता है वीट स्टोन ब्रिज टाइप, वीट स्टोन ब्रिज टाइप। तीसरा होता है लैडर सर्किट। चौथा होता है, ये तो लैडर हो गया, चौथा जो आपका होता है इसको कहते हैं बाईपास सर्किट, ठीक। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक, और सभी को सॉल्व करने के तरीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा केवल रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये 4 तरीके का क्वेश्चन है, अब इसमें आपको करना है, ठीक है, जो भी होता है। देखिए सिंपल कॉम्प्लेक्स वाला तो हम कर ही रहे हैं, वीट स्टोन ब्रिज टाइप का मैं आपको बताऊंगा, लैडर सर्किट एक होता है, बाईपास सर्किट होता है, ठीक है। अब एक और चीज होता है कि बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज और अनबैलेंस, तो वो जब हम वीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन तभी ज्यादा समझ में भी आएगा जब हम वीट स्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे। फिर लैडर सर्किट आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, और बाईपास सर्किट आपको पढ़ना है, क्लियर। तो यहां तक हो गया, इसको आप तैयार करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। थैंक यू।